बस ये है कि देखो अपनी स्टैंडर्ड जो है ना वो अपनी रॉ फीलिंग के लिए जानी जाती थी, तो आपको रॉ फीलिंग तो देखो नहीं मिलने वाली है उसमें आपको। आज की डू गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज अपन राइड करने वाले हैं ऑल न्यू बुलेट 350। अब अपनी बुलेट गाइस टोटली चेंज कर दी गई है। अब आपको ना इसमें थोड़ी क्लासिक 350 जैसी फील होने वाली है। अगर अपन इसको देखो फ्रंट प्रोफाइल से देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार ये क्लासिक 350 तो नहीं है। और अपन जैसे साइड में जाते हैं तो अपनी स्टैंडर्ड की अपनी पुरानी चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू रखी गई है। इस लोगों की भाई बात ही अलग है। और ये जो अपना हैंडमेड पेंटिंग रहती है ना ये बहुत ही तगड़ा लुक प्रोवाइड करती है। तो अपन फटाफट से राइड पर चलते हैं। और गाइस अभी अपन उज्जैन में राइड करने वाले हैं। उज्जैन से कौन कौन वीडियो देख रहा है वह कमेंट करके जरूर से बताना। और भी कुछ आपको इंक्वायरी लेनी हो तो आप प्रकाश मोटर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें काफी सारे नए अपडेट्स आ गए हैं। तो अपन राइड करते करते बाकी की बात अपन करने वाले हैं। देखते हैं इसको चलाने में कैसे मजा आता है। और देखो मैं अपनी क्लासिक तो बहुत बार चला चुका हूँ, पुरानी स्टैंडर्ड भी मैं बहुत बार चला चुका हूँ। तो आज अपन इसको चला के देखते हैं कि क्या अपना मेजर डिफरेंस सब आ गया है। ऐसा कुछ अपना एग्जॉस्ट नोट है। सबसे पहले गाइस अपन इसका पिकअप ही टेस्ट करेंगे। चलो मजा आने वाला है। पिकअप का देखो नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। बस ये है कि देखो अपनी स्टैंडर्ड जो है ना वो अपनी रॉ फीलिंग के लिए जानी जाती थी। और देखो रिफाइनमेंट भी देखो इसकी अब नेक्स्ट लेवल की हो गई है। काफ़ी रिफाइंड इंजन हो गया है। और अब देखो अपना इंजन ही चेंज कर दिया है पुरानी वाली से अपन कंपेयर करें तो। अपने इसमें जे प्लेटफॉर्म का इंजन आ जाता है। पावर स्पेक्स अपने इसमें है 20.2 पीएस की आपको पावर मिल जाती है और 27 Nm का टॉर्क है। अगर अपन पुराने स्टैंडर्ड से देखो अगर इसको कंपेयर करते हैं तो आपको रॉ फीलिंग तो देखो नहीं मिलने वाली है उसमें, आपको बिल्कुल भी ऐसे वाइब्रेशन फील नहीं होते। और अपने किक भी हटा दिए। आप देखो क्लासिक 350 चलाओगे उसके बाद अपनी ये नई वाली बुलेट चलाओगे ना तो आपको ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस लगेगा, दोनों मतलब एक जैसी फीलिंग आने वाली है। अब देखो अपन इसके वेरियंट्स की बात करते हैं तो अभी इसमें 3 वेरियंट अपने आ रहे हैं। अभी अपन मिडिल वेरियंट चला रहे हैं। जो अपना टॉप मॉडल आता है ना उसमें अपना थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस आ जाते हैं। और बेस मॉडल में आपको देखो उसमें पीछे ड्रम ब्रेक्स ही आएंगे, इससे आपको उसमें पेंट फिनिश वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। तो मिड वेरियंट की मैं प्राइस आपको बताऊं तो ये हमारी सिटी में कंप्लीट ऑन रोड 2,42,000 रुपीज़ के आसपास पड़ रही है। तो पुरानी बुलेट से प्राइस इसकी बड़ी है। बाकी पूरी गाड़ी अपनी चेंज भी कर दी है। इसका आपको सिर्फ टैंक अपना सिमिलर लगेगा पुराने स्टैंडर्ड से। बाकी इसको आप चलाओगे तो आपको हैंडल बार भी इसमें डिफरेंट लगने वाला है। सीटिंग पोस्चर काफ़ी बढ़िया है। ब्रेकिंग अब आपको और अच्छी मिलने वाली है, डुअल चैनल ABS से। उसका पीछे का टायर भी अपना वाइड कर दिया है, 120 सेक्शन अपना टायर है। और बाइक की सीट भी चेंज करिए, अभी आपको थोड़ी और वाइड मिलेगी। और कुछ नहीं अब आपको और बढ़िया मिलने वाली है। तो आपको ना अपनी पुरानी स्टैंडर्ड से ब्रेकिंग अपनी सीट और टायर ना बेटर मिलने वाला है। और पहले से ना सीट हाइट भी थोड़ी सी बड़ी है, अब आपको 805 mm की इसमें सीट हाइट आ जाती है। मेरी हाइट तो 5'9" है तो मेरे लिए तो कंफर्टेबल है। पर अगर आपकी हाइट 5'5'5'6' भी होगी ना तो आप आराम से चला पाओगे। अब देखो खास खास अपडेट की तो अपन ने बात कर ली। लास्ट अपना ये रहेगा कि आपको उसमें ना अपना क्लासिक जैसी अपना मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। अब आपको उसमें फ्यूल गेज भी आ गया है। तो ये सारे अपने मेजर अपडेट थे। अब देखो अपन वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखते हैं, सीधी सी बात है। अब आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लासिक से सिमिलर लगेगी, बस आपको ये टैंक और ये लोगो पुरानी बुलेट जैसा फील देगा। अब देखो अपन कॉन्क्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप न्यू बुलेट लेने का प्लान कर रहे हो तो देखो वैसे तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अपन क्लासिक से कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी क्लासिक से तो अपनी कम प्राइस ही है। तो इसमें ना आपको स्टैंडर्ड प्लस क्लासिक जैसा फील आ जाएगा, दोनों मिक्स कॉम्बिनेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। बस आपको इसमें रॉ फीलिंग नहीं मिलेगी, बाकी सब तो काफ़ी बढ़िया है। रिफाइनमेंट आपको नेक्स्ट लेवल की मिल जाती है। और प्राइस इसकी थोड़ी देखो पहले से बढ़ गई है, पर क्लासिक से तो कम ही रहने वाली है। तो क्लासिक की जगह आप इसको भी ले सकते हो, आपको अगर ये लोगो पसंद है। अगर आपको ये टैंक पसंद है तो आप इसके लिए जा सकते हो। बाकी गाइस ग्राउंड क्लियरेंस रेट भी आपको ऐसा कुछ इसी लगेगा, 160 mm का आपको मिल जाता है। बाकी ये तो सब अपने एसरीज के में इंक्लूड है। आप जैसे मिडिल वेरिएंट लोगे, आपका बेस मॉडल लोगे ना, तो आपको इसमें ऐसी क्रोम वाली फिनिश देखने मिलेगी। और टॉप मॉडल पर ना अपना पूरा ब्लैक आ गया है। स्टैंडर्ड लवर कौन कौन है कमेंट में आप जो बताना। वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना और चैनल भाई यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।